आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं प्रोफेसर सैया हूँ और मैं जो हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन ये डेयरी की क्लासेस चलाता हूँ। मेरी क्लासेस इसलिए हैं कि आपकी डेयरी फेल ना हो। मुझको 50 साल का अनुभव है और मैं डॉक्टरेट भी हूँ, पढ़ाता भी रहा, फार्म भी देखा मैंने 5,000 गाय का, और विदेश में भी रहा। पर मेरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि मैं 5 साल तक गांव में भी रहा। खैर, इसमें मैं ये बताऊंगा कि ये जो है ट्रिप्नोसोमाइसिस, जिसे सरा कहते हैं, इससे लोग बहुत परेशान होता है। सर, इसकी जड़ क्या है? सरा की जड़ जो है वो ये मक्खी है। देखिए, ये देख रहे हैं आप, मक्खी, ये मक्खी है, ये मक्खी होती है, डांस कहते हैं इसे। ये बरसात में काफ़ी होती है, तो इसके काट लेने से सरा हो जाता है। सरा हो जाता है तो उसका जितना भी ग्लूकोज होता है ब्लड में वो खींच लेता है, फिर वो दिमाग में जाकर बैठ जाता है, फिर घूमने लगती है, जानवर मर भी जाती है। भैंस में काफ़ी होता है, गायों में भी होता है। और एक विशेष बात यह है कि आप इसकी जाँच इतनी जल्दी नहीं कर सकते, इसमें पहले ग्लूकोज चढ़ाएंगे तब वो आएगा। और इसको चक्री की बीमारी भी कहते हैं। तो ये जो है, मतलब इससे बचने के लिए ये बरसात से पहले और बरसात के बाद, ये देखिए एक आता है। वैसे तो ये पोरोन है, मतलब इसमें अगर आप इसको ऊपर डाल देंगे तो 60 दिन तक फिर ये मक्खी वक्की इसके शरीर पर नहीं बैठेगी। मक्खी क्या, ये डांस होती है, बड़ी तेज़ी से काटती है, देख रहे हैं आप पोरोन। तो इसको पोरोन को लगाइए, पोरोन को इस पर आप डाल देंगे और इसका ये है, ये एक तो जितनी भी टिक्स होंगी उनको गिरा देगी और कुछ को मार भी देगी, और फिर उसके उसका जो सुरक्षा तंत्र होता है टिक्स का, उसको भी मतलब वो करता है। तो इसमें एमिटाज होता है, डेल्टा मिथिन होता है, पाइप्रोनल होता है। तो ये चिचड़ी को मतलब उसके सुरक्षा तंत्र है जो वो इम्यून हो जाती है और उस पर कोई काम नहीं करता है वो, प्लस ये इसको गिराती है और प्लस ये इसको मार भी देती है, तो तीनों ही काम करती है। ये बरसात से पहले आप डाल दीजिए, ये 60 दिन तक चलता है। लाइन आउटलाइन, आउटलाइन के नाम से मिलता है, देखिए आउटलाइन ये लिखा हुआ है आउटलाइन। तो आप इसका प्रयोग करिए, और अगर आप ऐसा बचना ही चाहते हैं तो ये देखिए डाइमिथाजीन एक्यूरेट का इंजेक्शन है, डाइमिथाजीन एक्यूरेट, ये RTU भी कहते हैं इसको, 5 ml प्रति 100 kg के उससे आप लगा दें। न्यू अराइवल में भी लगाइए, बरसात से पहले भी एक बार लगा दीजिए, बरसात के बाद भी लगा दीजिए, तो आप इससे बचे रहेंगे। इसके लगाने की विधि यही है, जैसे आपको इसको 20 ml लगाना है, 400 kg का है आपका जानवर का, तो पहले आप 10 ml लगाइए, फिर रुक जाइए, फिर 2-3 घंटे बाद फिर 10 ml लगा दीजिए। और इसमें एक बात और है कि इसमें बुखार की भी दवाई मिली हुई है, तो इसलिए इसमें बुखार की दवाई मिली हुई है, ये इसलिए इसमें इसके साथ साथ बुखार की दवाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है इसमें डाइमिनाजीन है और फिनाजीन है। फिनाजीन जो है वो नोवलजीन की तरह है, ये बुखार को उतारती है। बहुत से कंपाउंडर और वेटनेरियन जो है वो इसकी भी दवाई लगाए, इसकी दवाई लगाने की कोई आवश्यकता, एंटीबायोटिक की सलाह में कोई असर नहीं करेगा। तो इसी के साथ वार्ता समाप्त करता हूँ। आपने सुना, मैंने आपको यही बताया कि इसकी जो सरा की जड़ है ये और इसमें लोग सरा में ट्राइकोन भी लगाते हैं। ट्राइकोन वैसे घोड़े में और ऊंट के लिए होती है, डाइमिनाजीन उसमें काम नहीं करता है। धन्यवाद, आपने सुना। और हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, हमारा देहरादून में ट्रेनिंग सेंटर है, तो आप ट्रेनिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। और जो लोग डेयरी में कॉमर्शियल करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग है, तो उसके लिए आप 7979848332 पे संपर्क करिए, राजा जी है वो आपसे बताएंगे। वैसे मतलब कोई भी आदमी मुझसे पूछता है तो मेरी सेवाएं निशुल्क हैं और मैं हर एक फोन का जवाब देने का वो रखता हूँ। मैं हमारे यहाँ मतलब गुजराती में भी हैं हमारे मास्टर ट्रेनर, पंजाबी में भी हैं, बंगाली में भी हैं, तो आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आपने सुना।